नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएस सलार एजुटेक में स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, बेसिक शिक्षा विभाग में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं और उन सब पर मैं कोशिश करता हूं कि अपनी नज़र रखूं और हेल्प कर सकूं आपकी, तो उससे संबंधित नए नए वीडियो बनाता रहता हूँ। लोग मेरा सपोर्ट भी कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि आप ऐसे वीडियो बनाते रहिए, कुछ लोग कह रहे हैं ना भी बनाइए। चलिए, मिक्स बात है, फिर भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि सब्सक्राइब कर रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जैसे कि ये जो प्रेरणा पोर्टल पे ये बच्चों का जो DBT हो रहा है, ठीक है, और ये इनरोलमेंट वाली बात हो रही है, तो ये हो क्यों रहा है? आप कभी सोचे हैं? ये इसलिए हो रहा है कि बहुत ऐसा होता है कि कुछ बच्चे होते हैं, नानी के वहाँ गए तो नाम लिखा है, मामा के वहाँ गए नाम लिखा है, दीदी के वहाँ गए नाम लिखा है, और अपने यहाँ तक लिखा है, पास वाले और दूसरे गाँव में लिखा है, तो 4-5 बार नाम लिखवा लेते थे, ठीक है। तो हर बार ड्रेस और ये सब सामान आता था तो एक बच्चा 5-6 बार ले लेता था, ठीक है। तो भाई टीचर को तो पता नहीं है कहाँ कितनी जगह नाम लिखवाया है, ठीक है। तो चलिए, उससे संबंधित ये वीडियो है, सरकार क्या कर रही इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आधार से पकड़ेंगे परिषदीय स्कूलों में विद्यार्थी का फर्जी ब्यौरा तैयार करने में जुटा विभाग। गोरखपुर की बात है, एक साथ कई स्कूलों में नामांकन कराकर छात्रवृत्ति समेत अन्य विभागीय योजनाओं का दोहरा लाभ लेने वाले परिषदीय स्कूलों के विद्यार्थियों उनके अभिभावकों का शिकंजा कसा जाएगा। शिक्षा विभाग अभिभावक के बैंक व आधार नंबर के जरिए इस फर्जीवाड़े को पकड़ेगा, वही विद्यार्थी का अब सिर्फ एक ही स्कूल में नामांकन होगा, यह डिटेल प्रेरणा पोर्टल अपलोड की जाएगी। साथ ही अभिभावकों से सहमति पत्र भरवाकर विद्यालय के रिकॉर्ड में सुनिश्चित रखा जाएगा। तो बैंक और बैंक डिटेल और आधार के डिटेल से, चाहे गार्जियन के आधार से या फिर बच्चे के आधार, जहां 2-3 बार फीड मिला तहां वो पोर्टल पर लिंक करेगा कि भैया ये बच्चा जो है इस स्कूल में एडमिशन लिया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने इसको लेकर सभी व्यस्तों को निर्देशित किया है, इससे फर्जीवाड़ा रुकने की उम्मीद है। महानिदेशक ने अपने आदेश में कहा है कि आधार कार्ड व्यक्ति की पहचान को साबित करता है, इसके माध्यम से ही सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता है। विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति MDM सहित अन्य लाभकारी योजनाओं के बदले दी जाने वाली धनराशि अभिभावकों के खाते में भेजी जाती है। इसमें पारदर्शिता के लिए विभाग के पास अभिभावकों का आधार नंबर समेत अन्य डाटा होना चाहिए। उन्होंने सभी BSC को 25 जुलाई तक अभिभावकों का आधार और बैंक खाता नंबर समेत अन्य डिटेल प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करने की बात की है, ठीक है। ब्यौरा तैयार करने में जुटा विभाग। महानिदेशक के बाद विभागीय अधिकारी कर्मचारी इस कार्य में जुट गए हैं कि अभिभावकों के आधार व बैंक डिटेल का सत्यापन किया जा रहा है, वहीं जिन अभिभावकों का ब्यौरा नहीं है उन्हें जुटाया जा रहा है। सभी की डिटेल नाम पता के साथ प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। वहीं विभाग को एक सहमति पत्र भी निर्धारित प्रारूप पर भरवाना होगा, इसे विभाग को अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखना होगा। ऑनलाइन डाटा फीडिंग के बाद फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी, कई स्कूलों में नामांकन कराकर लाभ लेने वालों को आसानी से पकड़ा जाएगा। तो जो बच्चे फर्जी नाम कई जगह लिखाए हैं तो उसमें होगा। अब एक चीज़ इसमें अनक्लियर है कि जैसे कि बच्चे जैसे पता चल जाएगा ये फर्जीवाड़ा है तो किस स्कूल से उसका नाम काटा जाएगा, ठीक है, क्योंकि शिक्षकों के पास तो ऐसा कोई मंत्र नहीं है जान जाए कि भैया ये फर्जीवाड़ा बच्चा है। उसके लिए तो बच्चा अगर स्कूल आ रहा है, हफ्ते में 1-3 दिन भी आ रहा है, तो फिर उसका नाम तो नहीं काट सकते हैं। तो इस तरीके से फिलहाल यही कह सकते हैं कि अब आधार बनेगा हथियार और फर्जी गार्जियन जो पैसे ले रहा है या फिर बच्चा हो उसका जो है ढूंढा जाएगा। जैसे लखनऊ में लगभग बहुत ज़्यादा संख्या में 40 से 42 हज़ार जो है बच्चे डबल नामांकन मिला है, तो अगर प्रदेश की बात आएगी तो ये संख्या लाखों में हो सकती है। दोस्तों, ये था हमारा वीडियो, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। नमस्कार।